आरोपी है कौन, इनका उस लड़की से क्या संबंध है, और लड़की की हत्या को किस तरह से अंजाम दिया गया था, कितनी स्टैबिंग हुई थी, कौन कौन से हथियार का इस्तेमाल किया गया था। 25 तारीख को वीबी नगर पुलिस स्टेशन को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि एक बॉडी एसडीएल कंपाउंड के 13वें फ्लोर की एक बिल्डिंग की 13वें फ्लोर के टेरेस पे मिली है। उस लाइन उस कॉल के बाद हमारी टीम वहाँ पे तुरंत गई। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एक बॉडी वहाँ एक्चुअली है, डिकम्पोज्ड स्टेट में वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे रिसर्च इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के बाद 302 376 के अंतर्गत आईपीसी अंतर्गत ये गुना हमने दाखिल किया। गुना दाखिल करते ही हमारे जो टीम है इन्वेस्टिगेशन टीम वो सक्रिय हुई। उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। हमने स्पेशल टीम्स एसीपी कुरला और सीनियर पीआई वीवी नगर उनके अंडर टीम्स बनाई। अलग अलग डिमेंशंस और अलग अलग लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने जो टीम्स बनाई थी उन्होंने अपना काम शुरू किया। सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए यही था कि बॉडी की जो आइडेंटिटी है विक्टिम की वो हमें मालूम नहीं थी। उसके लिए हमने सभी जगह पे इंक्वायरी शुरू किया। सभी पुलिस स्टेशन जो आसपास के हैं उनमें ये बात पहुंचाई गई। अपने स्पेशल टीम्स बनाई गई। हर एक पुलिस स्टेशन का मिसिंग चेक किया गया, मिसिंग रजिस्टर्स, मिसिंग रिपोर्ट्स, और एक स्पेशल टीम सीडीआर एनालिसिस, टावर डेटा एनालिसिस के लिए लगाई गई। एक टीम को सीसीटीवी एनालिसिस करने के लिए रखा गया। इतना क्लियर हो गया था कि 24 से 36 घंटे पहले ये मर्डर हुआ है। सो 23-24 का जो पीरियड है उन दिनों के कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह चेक करने का काम शुरू किया गया। मेजर ब्रेक थ्रू कल हमें जब अराउंड 4 o'clock जो हमारे मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो के हैं वीवी नगर के, उन्होंने विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की। उन्होंने देवनार पुलिस स्टेशन में उन्हें पता चला कि ये विक्टिम वहाँ पे 24 तारीख को रिपोर्ट की गई है मिसिंग। 23 को वो मिसिंग हुई थी और 24 को रिपोर्ट लिखी गई थी। वहाँ से हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक दिशा मिली और एक स्पीड मिली। उसी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे हम फिर आगे बढ़े। विक्टिम के रिश्तेदारों से, उसकी दोस्तों से सब मालूमात ली गई। उसका मोबाइल फ़ोन जो वो घर पे ही छोड़ गई थी उससे कॉल डेटा निकाला गया। उसमें कुछ नंबर आइडेंटिफाई हुए और उसकी जो लास्ट डे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश की। उसमें हमें डम डेटा एनालिसिस और इनके सीडीआर में से हमें जो नंबर मिला उसमें हमने एक आइडेंटिफाई किया, वो अक्यूज नंबर 2 जो है फैजल उसका नंबर निकला। उससे जब इंक्वायरी करने के लिए गए, वो भारती नगर झोपड़पट्टी में रहने वाला है, वहाँ जब हम गए तो वहाँ पे हमें अक्यूज नंबर 1 भी उसी के साथ मिल गए जिनका नाम रेहान है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया और चौकसी की गई। चौकसी के दरमियान उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने ही ये मर्डर किया है। वस्तुस्थिति इस तरह से है कि रेहान जो है वो अक्यूज नंबर 1 वो भी विक्टिम के ही लोकेलिटी में रहते हैं, उनको पहले से जानते हैं और उनके बीच में अपना एक रिलेशनशिप था। उसी में उनका कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था जिसकी वजह से ये बात उन्होंने फैजल से शेयर की, और इन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करने के उद्देश्य से उस विक्टिम को 23 तारीख को गोवंडी से अक्यूज नंबर 1 ने पिकअप किया। एसडीएल कंपाउंड लाए गए जहाँ पे फैजल ऑलरेडी प्रेजेंट था, और फिर उन्हें ऊपर ले जाया गया जहाँ पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट होने के बाद उन्होंने ये मर्डर कमिट किया।